हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई शुड बी गिरोटी योर साइंस टीचर, वेलकम यू इन माय क्लास। एज यू ऑल नो दैट वी आर स्टडिंग चैप्टर टू, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हेयर इज अ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। वी वर डिस्कसिंग इन अवर प्रीवियस लेक्चर डाइजेशन इन ह्यूमंस, एंड नाउ डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन किस टाइप से होता है? हैव यू ऑब्जर्व काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूसली इवन वैन दे आर नॉट ईटिंग? आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा जो ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, काओ बफेलोज, जो ग्रास खाते हैं, वो कंटिन्यूसली च्यू करते रहते हैं जबकि वो कुछ खा भी नहीं रहे होते हैं। Why? Actually they quickly swallow the grass. Actually में वो क्या करते हैं, वो फटाफट से swallow कर लेते हैं grass को, निगल लेते हैं, and store it in of the stomach. और अपने stomach में उसे store कर लेते हैं, उस stomach called rumen. Here the food gets partially digested and is called curd. यहाँ पे क्या होता है, फूड का पार्शली डाइजेशन होता है, पार्शली मीन्स कम, नॉट कम्प्लीटली, और उसको हम कहते हैं कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ। बाद में क्या होता है, ये वाला जो कर्ड है वो रिटर्न बैक हो जाता है उसके माउथ में, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के माउथ में, इन स्मॉल लम्स, छोटी छोटी अमाउंट में, एंड द एनिमल्स च्यू इट, और एनिमल उसे क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली च्यू करते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, र्यूमिनेशन, एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट, और इन एनिमल्स को हम कहते हैं र्यूमिनेंट। अब र्यूमिनेशन और र्यूमिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि उस पार्ट को जहाँ पर ये फटाफट स्वेलो करके ले जाते हैं अपनी ग्रास को, जो ग्रास से खा रहे होते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं र्यूमन, इसीलिए इस प्रोसेस को र्यूमिनेशन और इन एनिमल्स को र्यूमिनेंट कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। ग्रास क्या होती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में सेलुलोज ग्रास में होता है। एंड वॉट इज सेलुलोज, सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इन र्यूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमिन। जो र्यूमिनेंट होते हैं, जैसे कैटल हो गए, डियर हो गए, सारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स, इनके र्यूमेन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और वो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज के डाइजेशन में। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे एनिमल्स जैसे ह्यूमन को इंक्लूड करते हैं, उनमें क्या होता है, सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनमें र्यूमेन नहीं होता है। Animals like horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure called cecum. जो grass eating जितने भी सारे animal हैं उनमें एक large sac-like structure होता है cecum, between the esophagus and small intestine. Small intestine और esophagus के बीच में एक छोटा सा structure होता है, एक large sac-like structure होता है जिसे हम कहते हैं cecum. द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट हेयर, और इसी सीकम में सेलुलोज का डाइजेशन होता है, ओके, बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। किसकी हेल्प से, कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स, जो कि ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट, सी दिस इज द फिगर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमिनेंट्स, दिस इज द फिगर ऑफ काओ, है ना। देखिए ये ग्रास ईट कर रही है, ये इसका माउथ, यहाँ से ये इसका फूड पाइप, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ईसोफेगस, है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के देखिए बीच में एक छोटा सा पार्ट है इसका सीकम, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड र्यूमेन। अब देखिए ग्रास जब ये खाएगी तो फटाफट स्वेलो करके ये र्यूमन में कलेक्ट करती जाएगी, र्यूमन में कलेक्ट करने के बाद वापस इसे माउथ में रिटर्न बैक कर देगा, और तब इसे च्यू करती रहेगी लगातार कर्ड को, है ना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, एंड दिस इज सीकम, एंड इट इज इट्स लार्ज इंटेस्टाइन, ओके।